तो दोस्तों, अगर आप सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हैं और वहां पर आपको केबल कार में बैठना है तो ये वीडियो बहुत काम का है। इस वीडियो में मैं आपके केबल कार से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम है अमित और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, सिंगापुर की केबल कार के लिए तीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट है माउंट फेबर लाइन, सेकेंड है सेंटोसा लाइन और थर्ड है सिंगापुर केबल कार स्काई पास। फर्स्ट लाइन जो है माउंट फेबर लाइन, उसमें अगर आपको बोर्ड करना है तो उसका सबसे पहला पॉइंट है वो पहाड़ों के ऊपर है। उसके लिए आपको हिल्स पे जाना होगा और वहां जाने के लिए आप कोई भी टैक्सी कर सकते हैं। वहां पर जाने के बाद आप इस लाइन में बैठ सकते हैं और इस लाइन को एंजॉय कर सकते हैं। इस लाइन का सबसे पहला स्टेशन है माउंट फेबर स्टेशन, जहां से आप बोर्ड करते हैं। सेकेंड स्टेशन होता है इसका हार्बर फ्रंट स्टेशन और थर्ड स्टेशन इसका है सेंटोसा स्टेशन। ये तीन स्टेशन इस लाइन के अंदर आते हैं। तो अगर आप पहला वाला टिकट लेते हैं तो आपको ये तीन स्टेशन तक आप जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। सेकंड आपके पास ऑप्शन है सेंटोसा लाइन ओनली। सेंटोसा लाइन जो है उसके लिए आपको इस पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सेंटोसा लाइन में बैठना है तो उसको आपको मर लाइन केबल कार के स्टेशन में जाना होगा और वहां से आप बैठ सकते हैं। और उसमें भी आपके तीन स्टेशन होते हैं। एंड फर्स्ट स्टेशन है मरलाइन स्टेशन, सेकेंड है एमबीएच लुक आउट स्टेशन, थर्ड है सिलोसो पॉइंट। इन तीन स्टेशन को आप एंजॉय कर सकते हैं, इन तीन स्टेशन में राइड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है, वो है सिंगापुर केबल कार स्काई पास। इस लाइन के अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, तो आप दोनों लाइन में बैठ सकते हैं। माउंट फेबर लाइन में भी बैठ सकते हैं और सेंटोसा लाइन में भी बैठ सकते हैं और केबल कार को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टिकट प्राइस की। देखिए, अगर माउंट फेबर लाइन में बैठना चाहते हैं तो उसका एडल्ट टूरिस्ट का टिकट है $33 पर पर्सन और चाइल्ड का टिकट है $22 पर पर्सन। अगर आप सेंटोसा लाइन में जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको देने होंगे $15 पर पर्सन और चाइल्ड के देने होंगे $10 पर पर्सन। और अगर आप चूज करते हैं सिंगापुर केबल कार स्काई पास तो वहां पर आपको $35 पर पर्सन देना होगा और बच्चों के लिए आपको $25 देना होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 4 साल से छोटे बच्चे फ्री होते हैं और उनका कोई टिकट नहीं लेना होता, लेकिन 4 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए आपको टिकट लेना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।